माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। गुरु राहु की युति चौथे भाव में या गुरु चांडाल योग चतुर्थ भाव में, इसकी चर्चा करेंगे। दोनों अलग अलग होते हैं, इसके लिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसा कि पहले और दूसरे तीसरे घर के लिए भी मैंने समझाया बताया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि गुरु राहु की युति जब होती है तो लोगों की कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य जो कहते हैं वो करते हैं, राहु जो कहता वो बिल्कुल नहीं करता और जो करता है वो किसी को समझ नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ राहु छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, मोह है, माया है, मिथ्या है। और राहु केतु को समझ पाना इसीलिए आसान नहीं है, इसको डिकोड कर पाना आसान नहीं। इसीलिए चैनल का नाम भी रखा है प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से। तो आपका वापस बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले एक दरख्वास्त, शेयर सब्सक्राइब लाइक भैया जरूर करिएगा हमारे इस वीडियो को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मेरा लिंक दिया जा रहा है फेसबुक ट्विटर का नीचे, मुझे डायरेक्ट वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मामला आगे बढ़ाते हैं। गुरु और राहु का जो होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति गुरु चांडाल वाला षड्यंत्रकारी होता है, हर किसी से राग द्वेष रखता है, ईश्वादेश रखता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ एडिक्शन की तरफ होती हैं उसकी, और मानसिक परेशान भी रहता है। अब सबसे बड़ी बात कि गुरु चांडाल योग है आपकी कुंडली में कि गुरु राहु की युति है, क्योंकि गुरु चांडाल योग बर्बाद कर देता है, गुरु राहु की युति आबाद भी कर सकती है, उसमें भी कंडीशन है, वो कंडीशन बताएंगे। सबसे पहले देखिए भैया, गुरु और राहु में किसका वर्चस्व है। अब मान लीजिए प्रथम भाव में गुरु राहु बैठे हैं धनु राशि में, यहाँ मजबूत बृहस्पति है। ऋषि पराशर लिखते हैं कुंडली के 1,00,000 दोष दूर करते हैं अगर बृहस्पति किसी भी अवस्था में नीच के भी पहले भाव में बैठ जाए। तो यहाँ तो अपने घर में बैठे हैं, यहाँ राहु क्या हुआ, नीच का, लेकिन तब भी राहु गुरु बलशाली हुआ, कुंडली धनु की हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे त्रिकोणों में मंगल सूर्य और बृहस्पति बैठ गए, उनके स्वामी मतलब हो गए। सूर्य भी अगर ऐसी कुंडली में मजबूत हुआ तो समस्या ही नहीं है, ये गुरु राहु की युति बहुत फलदायी रहेगी, जीवन में बहुत तरक्की देगी। और यही मान लीजिए मकर राशि में हो जाए, चौथे भाव आठवें भाव में हो जाए, जहां पे राहु एडिक्शन चाहता है, वोमेन वाइन चाहता है, गलत रास्ते में ले जाएगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहते हैं गुरु चांडाल योग को, ये आपने आज समझ लिया। अब बात आज बात हो रही है चौथे भाव में इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले चौथा भाव है क्या, उसे डिटेल में तो समझिए। चौथा भाव माता है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मानसिक सुख है, मोह है, माया है, तेल है, स्नान है, रिश्ते हैं, वाहन है, छोटे छोटे वाहन भी है। और यहां अगर बड़े ग्रह बैठ जाए तो बड़े वाहन मिल जाते हैं। पानी है, कुआं है, दूध है, गाय है, भैंस है, मक्का है, वृद्धि है, एक्सपेंशन है, सुख है, विश्वास है, छोटे आरोप हैं, करैक्टर का गिरना भी इसी घर से देखा जाता है, जो कि ज्योतिष में आपको कोई बताएगा नहीं। घर में मनोरंजन के साधन भी हैं, चौथा भाव हवेली है, पैतृक संपत्ति है, पवित्र ग्रंथ, पैतृक संपत्ति, जमीन, अचल संपत्ति भी चौथा भाव है। अब यहां अगर गुरु चांडाल योग होगा तो क्या होगा, गुरु राहु की युति क्या होगी, अपनी अपनी कुंडली में मैच करना भैया, कि गुरु चांडाल बना है कि गुरु राहु की युति बनी है। हालांकि मैंने वो भी बता दिया कैसे देखना, नहीं देख पाए तो मैच करना। गुरु चांडाल योग बना है तो माता का साथ लंबा नहीं मिलता है, घर में क्लेश कलह होती रहती है, पत्नी से हमेशा अनबन होती है, तू तू मैं होती है, झगड़े रहते हैं, घर में मानसिक शांति नहीं रहती है, अक्सर किचन में कड़वा तेल, सरसों का तेल गिर जाता है, रिश्तों में तलखियां रहती हैं, वाहन में गड़बड़ी रहती है, मनचाहा वाहन खरीद नहीं पाते हैं, घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है, दूध अक्सर फट जाता है, वृद्धि जितनी होनी चाहिए नहीं होती है, माता पिता से संपत्ति नहीं मिल पाती है या विवाद में फंस जाती है,
उसी के साथ साथ हमेशा टेंशन रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नंबर ऑफ अफेयर्स, किसी तरह का एडिक्शन वोमेन वाइन का हो जाता है, संपत्ति चोरी हुई हो जाती है, कब्जे हो जाते हैं भूमि भवन वाहन में, ऐसा हो रहा है तो गुरु चांडाल योग है, उसके उपाय भी बताएंगे आखिरी, उससे परेशान नहीं होइएगा। उसके उलट घर गाड़ी बंगला आलीशान होता है, माता का भरपूर सहयोग मिलता है, माता हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हैं, हमेशा अपने बच्चे के लिए बच्चे को फर्स्ट रखती हैं, ख्याल रखती हैं, अपनी सारी संपत्ति देती हैं, आपके घर का सुख बना रहे तो आपकी वाइफ को भी समझाती हैं, खुद भी मानसिक सुख आपका बढ़ाती हैं, घर में सुख बढ़ाती हैं, घर में मनोरंजक की चीज़ें आती हैं, घर गाड़ी बंगले बड़े होते हैं, आलीशान होते हैं, अच्छी जगह होते हैं, मल्टीपल होते हैं, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलता है, गुरु राहु मजबूत होके चीजें दे रहे हैं, शिक्षा में लाभ होता है, अच्छा शिक्षा मिलती है, शिक्षा विभाग में अच्छा करते हैं, और अगर शिक्षा ब्रेक हो जाती है तो समझ लीजिए गुरु चांडाल, संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना बढ़ती है, समझ लीजिए गुरु राहु की अच्छी होती है। जहां पैसा लगाते हैं भूमि भवन वाहन शेयर मार्केट, कहीं पर भी पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है अगर, तो गुरु राहु की अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। गुरु चांडाल पैसा डूब जाता है, कर्ज में फंस जाते हैं, घर में पवित्र ग्रंथ नहीं रह पाते हैं, पूजा पाठ की कमी हो जाती है, घर में हमेशा ही झगड़े और किसी न किसी को कोई परेशानी बनी रहती है, पैतृक विवाद बना रहता है, अचल चल संपत्ति फंस जाती है, मतलब गुरु चांडाल योग परेशान कर रहा है। मानसिक सुख अगर घर में नहीं है, गुरु चांडाल योग है और प्रभावी रूप से, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ये आपको ओवरऑल बताया कि चौथे भाव में क्या होता है, गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी पे खर्चे बहुत रहते हैं, घर में रिपेयरिंग का काम बना रहता है, घर में खर्चे बने रहते हैं, टूट फूट होती रहती है, किराया घर, जहाँ घर ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं अच्छा किराया नहीं आ पाता, अच्छा रिटर्न नहीं आ पाता, ये सब गुरु चांडाल शिक्षा से लेकर प्रोफेशन तक हर जगह परेशान करता है। सूर की वजह से सरकारी नौकरी मिल भी जाए मंगल की वजह से, उस नौकरी में आरोप लगते हैं, निलंबन हो जाता है, बर्खास्तगी तक हो जाती है, इतना भारी हो जाता है चौथे का गुरु चांडाल राज। इसलिए बहुत ध्यान से मैं आपसे कह रहा था सुनिएगा, मैं उसके उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर कंसल्टेशन चाहिए, कृपया कॉल की जगह आप लोग नीचे हुए नंबर 9620164207 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और हम जरूर आपको कंसल्टेशन देने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मेरा नीचे लिंक दिया जा रहा है फेसबुक अकाउंट का, ट्विटर का, मुझे डायरेक्ट वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए भाई पातब उपाय की तरफ बढ़ते हैं, कैसे चीजें बेहतर हो। तो देखिए अगर कुंडली में ये योग है तो राहु स्त्रोत का पाठ, अगर गुरु चांडाल योग है या गुरु राहु की युति है, दोनों में पूजा एक ही है, राहु स्त्रोत का पाठ बृहस्पतिवार के दिन जरूर करें, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान लें, खास तौर से माता से अनबन, माता को कष्ट डबल भारी पड़ेगा, ये मत करना, बाकी सब ठीक हो जाए। हनुमान चालीसा का नित्यदिन पाठ प्रतिदिन पाठ करें और एक बार हफ्ते में या महीने में सुंदरकांड का पाठ कर लें, राहु हनुमान जी से कांपते हैं, शिव जी से डरते हैं, क्योंकि राहु भटकाव है, ठहरता नहीं है, शिव जी एक जगह ऐसे बैठे रहते हैं, जहां ध्यान वहां राहु नहीं आता, और जहां भटकाव छलावा दिखावा बहकावा वहां राहु रहता है। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। और एक उपाय बता दे रहा हूं, बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालिए, लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ भगवान शिव की आराधना सोमवार के दिन जरूर करें, लाभ मिलेगा। खास तौर से केले का पूजन भी लाभकारी रहेगा और नारायण कवच का पाठ बृहस्पतिवार कर लें, बहुत लाभ। तो ये था आज का चतुर्थ भाव में राहु के बृहस्पति युति का प्रभाव। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, आज के दीजिए मुझे इजाजत, अगले एपिसोड में पंचम भाव पर इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।